हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहिनीज किचन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ दही सेव पूरी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और इसे आज बिल्कुल हम स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे और आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मैंने कुछ पूड़ियाँ ली हैं, ये रेडीमेड दही पूड़ी बनाने के लिए पूड़ी ली है मैंने ये, और ये सारे इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं मैंने इसमें भरने के लिए, आप देख सकते हैं। अब आइए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ये पूड़ियों को एक लेयर इसमें ऐसे तोड़ लिया, होल कर लिया है इसमें, देखिए इस तरीके से हमें ऐसे तोड़ लेना है। और करीब हम अभी 6 पूड़ी बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं ये मटर। तो ये मटर चाट की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगी, इसको कैसे बनाते हैं तो आप देखकर इसको बना सकते हैं मटर को। और अगर आप ये मटर नहीं बनाना चाहते तो आप इसमें उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज, और ये मैंने दही ली है जिसको अच्छे से हमने फेंट लिया है, तो ये ठंडी दही है, इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। तो ये दही भी हम इसमें सब में डाल देंगे इस तरीके से। अब इसमें हम डाल देते हैं ये इमली और खजूर की मीठी चटनी, इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चटनी, सारी पूड़ी में हम ये भर देंगे। थोड़ा सा डाल देते हैं हम ये रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा स्प्रिंकल करना है सारी पूड़ी पे हमें। अब डाल देते हैं हम इसमें काला नमक, और अब हम डाल रहे हैं इसमें ये भुना हुआ जीरा पाउडर, ये लिए हैं मैंने बारीक वाले सेव, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें आलू भुजिया भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो सारी पूड़ियों में मैंने ये भी डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से टमाटर बारीक कटे हुए, एक एक दो दो पीसेस ही हमें सब कुछ डालना होता है। थोड़ी सी प्याज और डाल देते हैं हम, थोड़ा सा दही और डाल देते हैं, थोड़ी सी अब डालेंगे हम इसमें ग्रीन चटनी, और थोड़ी सी अब हम डालेंगे इसमें ये इमली खजूर की चटनी। थोड़ा सा हम डाल रहे हैं अब ये फिर से सेव, लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग देखने में, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये धनिया पत्ती। तो ज़रूर ट्राई करें आप इस रेसिपी को, बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी ये बन जाती है। थोड़े से हम डाल देते हैं ये अनारदाने। ये हमारी दही पूरी बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली है। और इसको बनाकर हमें तुरंत खाना होता है, इसको बनाकर हमें रखना नहीं होता, तो जब आप सर्व करें तभी इसको असेंबल करें। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, अब तक के लिए टेक केयर, बाय।